हुडी खरीदी, टी शर्ट खरीदे, कुछ नहीं खरीदे? आपके भाई ने आप लोग के लिए ब्रांड लॉन्च किया है यार, हाई फाई रेट है? नहीं यार, सस्ता एकदम यार, क्या बात कर रहे हो? हाई फाई तो वो शाहरुख के बेटे वाले यार, आर्यन खान वाले है, दैट्स हाई फाई। मैंने तो आप लोग के लिए और लॉन्च किया है, बस हाँ ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार। तो फोटो क्लिक कर लो, आई हैव टू लीव। I am very proud of myself because this is my first venture. It's called ZA by Zen, and I am the main owner and the founder of it and the creative director too. And I just want ki aap log please us brand ko promote kare, khareede, acha lage to bataye aur apne friends ko bhi bataye. So but since a very long time I had wanted to you know, come out with a brand jo sabko resonate kare, and it's like a daily wear sort of a thing. Glad the people are liking it. We've been getting orders, so yeah. Also, how was your birthday celebration? We saw a lot of pictures with me. Yeah, yeah, सबके साथ था यार. I mean, मेरे a few friends were there, and it was good, good fun. Thank you. यार ये पक्का ये जो मेरे कुछ बहुत ही प्यारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हाँ। वो सब ऐसे से कर रहे हैं। आई गेट यू आई गेट बैक इट ऑल्सो। बढ़िया, डेफिनेटली आइए रिप्सी, हमारा पैटर्न स्टेप जो है, कौन सा वाला जो हमेशा मैं 1942। अच्छा चलो, नॉर्मल थोड़ा, आज हम थोड़ा जेंटल गाना कोई बना दो प्लीज यार, ऐसे लगा गाने नहीं बज रहे, बहुत ही बढ़िया गाना लगा दिए बाबू। अ सॉन्ग यू वुड डेडिकेट टू ईच अदर, दिल निसार हुआ, एब्सोल्युटली आई थिंक दिल निसार हुआ। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल #दिल निसार हुआ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब रिप्सी भाटिया, गोस फॉर यू आल्सो, दिस गोस फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। जी मजा आ गया, थैंक यू। ये सुन चुकी है पहले जी, जी बेटा जी। आज मुझे पता नहीं यार, जितने लोग मिल रहे हैं सब ब्लैक में मिल रहे हैं, आपसे हर कोई कर रहा है ना, इतने लोग एक्चुअली ब्लैक इज समथिंग व्हिच जो मैंने भी नोटिस किया, काफी लोग ब्लैक में हैं जी। आइए प्लीज, जी थोड़ा आगे हैं। थैंक यू भाई लोगों, थैंक यू। कम दो शब्द बोल लीजिए आप कुछ, आई आई होंगे, हाँ दो शब्द होंगे, थैंक यू। जी नहीं, मैं तो बहुत कहता हूँ, अभी इनसे पूछिए, मैं तो हमेशा कहते रहता हूँ यार। जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और गाना आज ही रिलीज़ हुआ है। जो देखिए, मेरे लिए हमेशा मेरी मीडिया फैमिली जो है पहले आती है, इसलिए आज हमने गाना स्पेशली आप लोगों के लिए रिलीज़ किया है। मैं चाहता था कि आप लोग सब रहें यहाँ पे, और पूरी टीम है यहाँ पे मेरी, और रिप्सी है यहाँ पर। आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट कि मेरे बहुत ही कुछ खास गिने चुने लोग जो हैं वो लोग आ पाए, एंड दे वर पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। इस गाने के पीछे बहुत मेहनत गई है, क्योंकि नॉर्मली म्यूज़िक वीडियो पीछे इतनी मेहनत नहीं जाती है, बट ये गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा, लेकिन यस, दिस जर्नी जो है पूरी, गाने को सिलेक्ट करना, बैठना उस पर, बहुत प्लानिंग करना, तब से मैं जुड़ा हूँ इस गाने से, तब से रिप्सी जुड़ी हुई है, एंड शी हैज़ बीन द ड्राइविंग फोर्स लिटरली। बहुत समय से ये गाना रिलीज़ करेंगे 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 वैसा चल रहा था, लेकिन फाइनली जो है अब ये आप सबके सामने आ चुका है। मेरे लिए आप फैमिली है, और मैं हमेशा कहता हूँ, हाँ एक साल हो चुका है एक्चुअली, बिल्कुल बिल्कुल। और आज ही के दिन हम लोग इस्तांबुल में थे, आज ही के दिन, और आज ठीक एक साल पहले हमने शूट किया था, और आज एक साल के बाद आई थिंक बहुत लंबा वेट रहा है म्यूज़िक वीडियो के लिए, लेकिन जैसे लोग देख रहे हैं कह रहे हैं कि इट्स बिन अ गुड वेट, वर्थ द वेट रादर। सो थैंक यू सो मच गाइस।
कैसा लगा? ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली शॉट. एंड I suggest, I give advice, and then they have their stylists and all, but I'm sort of hovering over, making sure that he can carry even a rug and look hot. बस मैं अगले वीडियो में मैं रग पहन के आ रहा हूँ, तो अब देख लीजिएगा. नहीं बट जी, आकांक्षा कौन सा गाना आ रहा है? कोई यार गाना आ रहा है आकांक्षा के साथ? अच्छा जो हम लोग, अच्छा ओके, हाँ वो गाना अभी हमने शूट नहीं किया है, वो हम करेंगे, पाइपलाइन में है, लेकिन यस वेरी गुड यार. बट हाँ वो जब शूट होगा उसके बारे में बात करेंगे. बट यस आकांक्षा के साथ हाल ही में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है जो फेस्टिवल्स के लिए जा रही है, थैंक्स मॉम, जिसका प्रीव्यू अभी हाल ही में हुआ था. सो यस पिछले हफ्ते दो हफ्ते से बहुत चीज़ें चल रही हैं. होप आई एम होपिंग कि अभी मेरे कुछ तीन चार गाने हैं बाकियों के, मेरे नहीं, जो बहुत जल्द रिलीज होंगे. यार मैं हमेशा कहता हूँ मेरे घर पे बहुत सारे कैमरा है और मेरा बिग बॉस यहीं पर है और मेरे घर ही मतलब मेरा बहुत एक रियलिटी का जोन है. और तो आई थिंक रियलिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा रियल हो जाता है. आई एम वेरी हैप्पी विद रील, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद माई कैरेक्टर्स, एंड मैं खुश रहता हूँ उनके साथ. वो देखिए बिल्कुल यार, क्यों नहीं, अरे बोलो यार, यू टेल मी. नो यू टेल मी. अरे वो तो पूछ रही है, दे वांट ऑब्वियसली. गाना बताइए कौन सा है, कोई गाना है? कोई गाना है? हाँ है, नहीं करेंगे, आई एम श्योर डेफिनेटली. क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, जिसे बोलेंगे एक काम करो मेरा ये प्रोफाइल ले लो, थोड़ा अभी ये प्रोफाइल ले लो, बस चलो पैक अप पैक अप. आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम लीविंग. इनका ऐसा है कि मतलब नो आई एम नॉट एन एक्ट्रेस. नहीं आई थिंक शी इज आई एम वेरी हैप्पी बिहाइंड द कैमरा. अरे बहुत अच्छे से वेलकम यार, देखो घर जाना है कि नहीं मुझे यार, डेफिनेटली आई थिंक शी विल ऑब्वियसली बहुत ही इनका एक ग्रैंड स्वागत होगा. आई डोंट वांट टेस्ट एनीवनस पेशेंस, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड ही इज वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट ही इज डूइंग. क्या बात है, क्या बात है, गिव मी फाइव. क्या बात है, देखिए सुपर्ब यार. नहीं बट डेफिनेटली ये हमेशा शी इज ऑलवेज देयर एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट. और जब भी कोई गाना आता है ऑडियो, जब भी कोई म्यूजिक वीडियो करता हूँ तो सबसे पहले ऑडियो मैं इनको भेजता हूँ कि म्यूज़िक सेंस बहुत अच्छा है, मेरा तो है ही बट इनका भी बहुत अच्छा है. तो हम दोनों हमेशा डिस्कस करते हैं ये गाना अच्छा है, ये कर लेते हैं, नहीं वी लेट दिस गो. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ, एक मैं कह सकता हूँ बाउंसिंग बोर्ड है मेरे लिए. सो यस यार, ये पक्का, ये जो मेरे कुछ बहुत ही प्यारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं वो सब ऐसे से कर रहे हैं. I get you. I'll get back it also. But yeah, definitely. आइए रिप्सी, हमारा पैटर्न स्टेप जो है. कौन सा वाला? जो हमेशा मैं 1942 से करते आया हूँ. Don't call me. Something else. अच्छा चलो normal. थोड़ा आज हम थोड़ा gentle. What are we doing? गाना कोई बना दो please यार, ऐसा लगा गाने नहीं बज रहे, कोई बहुत ही भैया गाना लगा दिए बाद में. A song you would dedicate to each other. दिल निसार हुआ, absolutely. I think दिल निसार हुआ. बिल्कुल बिल्कुल, हैशटैग दिल निसार हुआ. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब रिप्सी भाटिया, गोज फॉर यू आल्सो, दिस गोज फॉर एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर विशेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू. अब प्लीज खाइए पिए, आइए. सब मर्ज हो गया, ये देखो ये भी मर्ज हो जाएगा. अच्छा जी, सवाल जवाब जरूरी है? हाँ नहीं नहीं, सवाल जवाब होगा. आइए. I've only come for this man. Oh, so sweet. I'm proud of him. So, thank you. मैंने आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो देखा आपने? जी बहुत अच्छा लगा. Thank you.
और अभी ये तो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर वी आर रिलीजिंग इन मिड ऑफ जून. ओह लवली. सो लेट्स सी, ये पहला म्यूजिक सीरीज है. सो अभी ऐसे और भी चैप्टर्स आते रहेंगे, इसके आगे ही कहानी, इसके आगे ही कहानी. गुड गुड गुड. आई एम प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. तू बात मैं बात क्या, मैं आप ही की तारीफ करने वाली थी. सो ही इज मेरे मुंह बोले भाईजान है और ही इज डायरेक्टेड द वीडियो. सो आई हैव कम टू एनकरेज हिम टुडे. दैट्स अबाउट इट. वीडियो ख़त्म ही हुआ था कि मैंने एंट्री की, बट आज गाना रिलीज़ हुआ तो आई वॉच इट ऑन द यूट्यूब. इट्स अ गुड सॉन्ग. वो नहीं देगा, फैजी नहीं देगा, मुझे पता है. जोक्स अपार्ट, ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर. क्योंकि आई रिमेंबर आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले he used to do photography also, so his sense of photography is excellent. mera life ka sabse pehla photo shoot jo hai wo faisal ne kiya tha aur tab se ye mashhoor hue hain faisal mia photo wala ke naam se. and now he's doing music videos, he's doing series, so he's doing quite many things and I'm proud of him. so I just came to support him. oh yes. एक्सपीरियंस हैज़ बिन रियली रियली गुड. कुछ नया है, ट्राइंग समथिंग न्यू एज़ वेल. सफ़र थोड़ा सा छोटा रहा, द शो इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, बट जितना भी सफ़र रहा इट वॉज़ ग्रेट एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू एंटरटेन यू इन अ डिफरेंट वे. सो या यस यार, फेवरेट तो मैं जब एक बार टेलीकास्ट हो जाएगा तब बता पाऊँगी हु इज़ प्लेइंग वेल एंड हु इज़ डूइंग गुड. बिकॉज आई थिंक वी पिक आवर फेवरेट्स यू नो व्हेन वी सी दैट हु इज़ एक्चुअली यू नो एक्सेलिंग. सो आई कैन ओनली से दैट अभी इस सीज़न में अरे यस अर्चना गई है. यस आई हैड मेट हर ट्वाइस ऑन हाउसफुल. She comes across like fun, chilled girl, and I'm sure she shows a lot of courage also there. Because खतरों के खिलाड़ी में मतलब mind over matter. That's it. Okay, any project in pipeline? You'll get to know. उसके लिए हम फिर से मिलेंगे. Come on, it's their day, so you just have all the light, you know, all the lights on them. जानबूझकर क्यों फेंकूंगी मैं किसी को. हमें तो खुद नहीं पता था जब हम वहाँ थे. सो नॉट दैट आई कैन थिंक ऑफ. आई थिंक फैजल कैन बी अ गुड कैंडिडेट. ही इज़ क्वाइट व्हाट डू यू से मसालेदार. चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट. थैंक यू. मैंने एक्चुअली सिर्फ टीज़र देखा है. आई रियली लाइक द टीज़र. आई थिंक इट्स सो ग्रैंड एंड यू नो लोकेशंस इतनी सुंदर है. सो आई रियली लाइक द टीज़र. यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऑनेस्टली मैं यही कह सकती हूँ कि
you'll still have to wait and you know process में है and कुछ चीज़ें delay भी हो रही है, कुछ चीज़ें push हो रही है. So let's hope कि जल्दी से सारी चीज़ें you know timely start हो जाए and yeah that's all. Yeah, right now at this point I'm not interested. Anjum, I think Anjum ko hi main janti hu. Anjum ko maine wish kiya tha before she went. Who else? I don't know aur kaun hai, but yeah, I mean I think no Anjum. All the best to everybody. I did not know him. मैंने actually अभी on the way I just read the news and I mean it's really sad. Of course we don't know the cause and the reason behind it, right? But such a young age and it's very sad. I mean, I think I just got the link and I just tapped on the link and I saw it in bits and pieces. But so far, I mean, Sharad Bhai and, you know, Sana, they both have, obviously, Sharad Bhai is to ame, unki main kya tarif karu? He has always done fantastic job and I've always admired his work. So I think this one is also fantastic and I'm really happy to be here with him and to support him. And really, best wishes to the whole team of Dil Nishaan. Let's see. I mean, the day we'll get free, we will definitely do it. क्या बोल रहे हैं? Let's see. क्या बोला इसने? मैं आपकी तारीफ कर रहा था. मैं बोल रहा था कि how I have admired you always. And I think one thing I want to say that अभी हाल ही में आपने show किया था, जिसके आपके लंबे बाल थे. अली बाबा. And let me tell you, वो लंबे बाल नॉर्मली लोगों को इतने suit नहीं करते हैं. But you're looking very good. Thank you. मैंने promo देखा था. मैंने actually show नहीं देखा, पर promo देखा. Okay. And you're looking very good. Thank you so much. I think I've always said you know every journey has an end and ye bhi ek safar tha jo apni manzil tak pahunch gaya hai aur usko hum log us safar tak us you know manzil tak pahunchane mein kamyab hue hain to isliye aisi baat ki khushi aur matlab khushi ke sath is alvida bhi kahenge so we are all you know happy and we are all satisfied. Also show ke jo pehle uske kuch season mein kaam karta Shahzad Khan, please got a Bhadro ke khiladi. I'm extremely excited to you know see him perform on the show and you know all the best wishes to him and the whole you know everyone the whole contestants who have participated and I'm extremely happy. I think it's a journey that he is on to and I would want to wish him luck to that. फिलहाल तो ऐसे कोई प्लान्स बनाए नहीं है मतलब इससे इसके बाद सबसे पहले थोड़ा आराम करेंगे उसके बाद लेट्स सी आगे क्या आता है अगर कुछ अच्छा आता है कोई अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ फिर से करने को मिलती है तो डेफिनेटली आई विल टेक दैट अप. आई एम नॉट श्योर अभी अबाउट बिग बॉस और यू नो एनी रियलिटी शो मतलब अभी मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा और जो स्टोरी टेलिंग और फिक्शन शोज़ होते हैं उनको एक्सप्लोर करूँ और जो एज एन एक्टर जो आर्ट है उसको और सीखूँ और समझूँ तो आई थिंक आई वुड वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट मोर. बाकी देखते हैं वॉट हैज़ डेस्टिनी प्लान फॉर मी. To all the viewers, audience, fans and everybody, I would like to thank you all for all the supports. आपका प्यार ही मेरी ताकत है तो हमेशा अपना प्यार बनाए रखें. Thank you so much. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सॉन्ग है. बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज किया हुआ है, डायरेक्शन इतनी खूबसूरत है
और सच में इट कैन बी कंपेयर टू गेरुआ या सूरज हुआ मदम, इट हैड दैट फील. एंड इतनी सुंदर जगहों पे शूट किया गया है. शरद इज लुकिंग रियली नाइस, द गर्ल इज लुकिंग रियली नाइस. या आई थिंक कि बहुत ही ओपन एंड पे छोड़ा है सॉन्ग उन्होंने, कि आप इंट्रीग्ड रहते हो कि आगे क्या होने वाला है. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. थैंक यू सो मच. सो इट वॉज अ वेरी लास्ट मोमेंट थिंग. तो आई जस्ट पेयर्ड इट अप. आई थिंक यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद ऑल वाइट और ऑल ब्लैक लुक. It, you can style it up, you can style it down, just a pair of accessories can make a lot of difference. If I would have worn it with sport shoes, I think bahut hi casual look lagta, but just a pair of earrings thoda night look ho gaya. So that's it, simple and chic. Alright, iske alawa kya koi upcoming projects hai? Abhi kuch concrete nahi hai, so I don't think this will be the right time to comment on that. So yeah. बहुत अच्छा लगा. एंड आई थिंक शरद, आई एम हियर फॉर हिम टू सपोर्ट हिम. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली द रोमांस एलिमेंट, और कितना ब्यूटिफुली उसे शूट किया है. दिल निसार हुआ एंड आई थिंक हमारा सबका दिल निसार हो गया ये वीडियो देख के. वेरी नाइस एंड ऑल द बेस्ट टू सना एंड शरद बोथ. जी डायरेक्टर सर भी अंदर हैं, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे अभी. देखिए मतलब वही हम कह रहे थे, एक शॉट अंदर ही शूट कर लीजिए, यहाँ मैं भी हूँ शरद भी है. बट येस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड कुछ अलग. हम लोग दोनों प्यार भी करेंगे, टकरार भी करेंगे, तो कुछ अलग होने वाला है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू शूट विद शरद अगेन. और इस बार लास्ट टाइम तो शॉर्ट मूवी थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, इस बार काफ़ी टाइम मिलेगा. सो होपफुली यू गाइज विल लाइक आवर जोड़ी अगेन. थैंक यू जी. यस या वेरी नाइस, आई एम सो सुपर एक्साइटेड. और मैं देख रही थी किसी को चोटें लग रही हैं, ब्रूजेज ये वो, तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शुरुआत ऑलरेडी हो गई है. एंड आई थिंक ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल आर लविंग शिव. आई ही इज़ माई फेवरेट कंटेस्टेंट एज वेल. सो आई होप ट्रॉफी लेकर आए. या सी आई थिंक अर्चना का जो एलिमेंट है सबकी फेवरेट है, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मुझे लगता है शिव और अर्चना इस शो में जो ऐड कर पाएंगे वो और कोई नहीं कर पाएगा. एंड आई वुड लव जल्दी से बस स्टार्ट हो जाए, हम लोग एपिसोड्स देखें. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाकी सब देखने के लिए. आई थिंक शिव तो डेफिनेटली लायन है इस जंगल के, तो मैं उन्हें उन्हीं से कंपेयर करूँगी. और अर्चना बहुत कुछ हो सकती हैं, बट आई थिंक वो एक वो हिरन है जो कूद कूद के आगे चली जाएंगी. एंड उनमें वो एलिमेंट है और बहुत फन है, उनको सुनने में मज़ा आता है मुझे. सी बिग बॉस आता है तो नाम तो मेरा हमेशा ही जुड़ता है कहीं ना कहीं. एंड बस अभी तो इतना ही कह पाऊँगी. एंड कब हो रहा है शो, क्या हो रहा है, मुझे भी ज़्यादा डिटेल्स उसके बारे में पता नहीं है. फिलहाल मैं अपनी सीरीज़ रिलीज़ हुई है मेरी इंस्पेक्टर अविनाश, उसमें बिजी हूँ. सब लोग बहुत प्यार कर रहे हैं मेरे कैरेक्टर को एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. सो अभी अपने काम, अभी सॉन्ग शूट करके आई हूँ, 3 दिन बाद उसका रिलीज़ है. आपसे उसके प्रमोशन में भी मिलूँगी. सो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, अभी उसमें बिज़ी हूँ. और जब टाइम वक्त मिल जाएगा और रियलिटी शो से मेरा टाइम क्लैश नहीं होगा, तो आप रियलिटी शो में भी देखें. थैंक यू सो मच गाइस, लव यू. थैंक यू. थैंक यू. जो जो रील बना रहा है मुझे रिक्वेस्ट भेज देना. थैंक यू गाइस. होश में रहो ना सब, हाय हेलो तो करो. ऐसे एकदम मरे हुए क्यों, खाया पिया नहीं क्या किसी ने?
सब थके हुए लग रहा है। सब थकेले लग रहे हो। सॉन्ग तो बहुत अच्छा लगा, शरद इज अ डियर फ्रेंड और फैजल जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आई लव द सॉन्ग और आप लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। ओह एब्सोल्युटली आई वुड लव इट, बहुत मज़ा आएगा। शरद से अच्छी दोस्ती है, हम वर्कआउट भी साथ में करते हैं और हम दोनों ही बहुत लेजी हो जाते हैं और एक दूसरे से बोलते रह जाते हैं आज आप जा रहे हो क्या, आज आप जा रहे हो, इस तरह का हमारा चलता रहता है। एंड यू नो ऑन स्क्रीन अगर हमें काम करना हो तो आई थिंक इट वुड बी फन। इसके अलावा आप मुझे मेरे गानों में देखोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ मैं कर रही हूँ अभी और मैं बताना नहीं चाहती इस वक्त कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, एक हिंट आपको दे देती हूँ, आप लोग दोबारा मुझे अनूप जलोटा जी के साथ दोबारा देखने वाले हैं, लेकिन कुछ बहुत हटके किसी चीज़ में। तो आप लोग सब तैयार रहिए और जो ऑडियंस भी देख रही है आप लोग भी तैयार रहिए इस नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमारे। मैं ज़रूर जाना चाहूँगी और बिग बॉस इज़ समथिंग जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जबकि उस घर के अंदर रह के एक महीने में मैं इतना थक गई थी कि मुझे लग रहा था कि प्लीज़ मुझे अब निकाल दो, क्योंकि इतनी यू नो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील होता है बस 12-15 लोगों में तो, बट घर से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यू नो आई मिस दैट हाउस। तो दोबारा मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी आँख बंद करके। मुझे पता ही नहीं है कि कौन गया हुआ है अभी, तो मैं पहले चेक करूंगी कि कौन गया, फिर मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको बताऊंगी कि कितने दोस्त हैं। सिंगर्स में रश्मीत गई है, ओके आई होप दे ऑल डू वेल, क्योंकि यार बड़ा खतरनाक सा है, बहुत अजीब सा है वो शो और मुझे हर बार सब पूछ रहे हैं कि आप करना चाहोगे, मुझे इतना डर लगता है। क्या है पहले ही एपिसोड में जो फर्स्ट एपिसोड होता है उसमें ही वो लोग स्कॉर्पियंस और क्या क्या होता है वो सांप बिप में घुसेड़ देते हैं, वहाँ पर जाके बोल देते हैं इसके अंदर सो जाओ, मेरे से तो कभी नहीं हो पाएगा, मतलब इफ़ आई हैड टू डू इट बहुत ही मिस हो जाता मतलब पूरे शो पर आई एम श्योर। बस आई लव यू ऑल और इसी तरह मुझे प्यार करती रहिए, थैंक यू। बिल्कुल मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और थैंक यू सो मच गाइज, आप हैं तो मैं हूँ, हम सब हैं, मेरी मीडिया फैमिली है जिसके बिना मैंने कभी कुछ नहीं किया और ये गाना बहुत स्पेशल है मेरे लिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी टीम जो है यहाँ पे जो चुपचाप करती है, आइए आइए जो मैं जो डायरेक्टर हो गया चुपचाप जाओ 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 आइए आइए सर आइए आइए कम 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 गाइस, इतने शर्मा रहे हो यार, ये मेरी पूरी फैमिली है गाइस, काम यार बहुत मेहनत की है इन सब ने यार, प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीस पीपल, लवली टीम, माय डीओपी, म्यूजिक डायरेक्टर मोजिस जया, मुसु आरुषि, आशीष, कम 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 एंड रुपेश, आइए फ्रेजर द कैप्टन ऑफ द शिप जी। तो इंट्रोडक्शन करना था बट बीटीएस के बाद, चलिए ये देखिए इंट्रोडक्शन फिर से हो जाएगा, बट आई थिंक विदाउट फर्दर डिले लेट्स वॉच द बीटीएस एंड देन द ट्रैक दिल ने साधुआ, दिस इज योर्स, एंजॉय, थैंक यू। धन्यवाद, पार्ट हो गया है, पार्ट थ्री शूट होना बाकी है, तो कहानी अभी पहले पार्ट में देखते हैं, कितने लोगों ने देखा है यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं देखा अभी तो पहला पार्ट जब अभी देखे क्या उसके बाद दूसरे पार्ट के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं पूछूंगा कि आप लोगों को क्या समझ में आया, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया है अभी, पहले तो पहले देख लेते हैं, पहले पार्ट देख लेते हैं, देख लेते हैं फिर उसके बारे में। ये गाना जो है हमने कुछ कुछ नहीं काफ़ी महीनों पहले शूट किया था और उस वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि शायद ये रिलीज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन आज जब देखते हैं कि डेफिनेटली यू नो वी वेरी पॉजिटिव कि कुछ भी हो जाए हम रिलीज़ करेंगे,
और हर हाल में रिलीज करेंगे और आप सबके साथ रिलीज करेंगे. सो यस, आई हैव मैनिफेस्टेड दिस एंड आई कैन सी मैनिफेस्टेशंस कमिंग थ्रू. सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल पीपल आउट देयर, स्पेशली माय टीम. आई वांट टू कॉल माय टीम हियर. आई वांट टू स्टार्ट विद माय डीओपी प्रेम सर. प्लीज इधर सर, आप पूरे अच्छा स्मोक करने गए, सॉरी गाइस. प्रेम सर, वी स्टिल लव यू, इट्स ओके. ओके, सो प्रतीक गांधी द म्यूजिक डायरेक्टर द कंपोजर, थैंक यू सो मच. आपने जो जो धुने हमें दी है, गाइस आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस गाय. ही इज सुप्रीमली टैलेंटेड, ही इज डूइंग ग्रेट वर्क राइट नाउ इन द इंडस्ट्री. दो लाइनें हो जाए क्योंकि जावेद भाई तो है नहीं यहाँ पर, तो आपके लिए तुम पर ये दिल निसार हुआ, एक पल में सौ सौ बार हुआ. तुम पर ये दिल निसार हुआ, एक पल में सौ सौ बार हुआ. तुमसे हुई सच्ची मोहब्बत, तुमसे हुई सच्ची मोहब्बत, इश्क ना फिर तेरे बाद हुआ, इश्क ना फिर तेरे बाद हुआ. थैंक यू प्रदीप, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू. आई वांट टू कॉल जया, प्लीज आइए. ये इधर इधर ये बीच में है यार, आप इतनी डरी हुई क्यों हो गए? डेब्यू सॉन्ग, हर डेब्यू एल्बम, हर डेब्यू प्रोजेक्ट, एंड बहुत डरी हुई थी जब ये आई थी फर्स्ट डे, एंड आज जब मैं देखता हूँ तो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑल सेट टू टेक ऑन द इंडस्ट्री एंड द वर्ल्ड, एंड विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट. यार हाउ यू फील, इट्स योर मोमेंट. I don't know how to express my emotion right now. I'm seeing this video actually, and it got released today. I can't believe actually it got released, and it's really a very special and a big day for me. And really my emotions are like very up and down. I don't know what to say. Sharad Disar, apka debut music video. Yeah. So how was the experience? इन्होंने तंग किया कि कैसे गुस्से वाले थे, शुक्रिया बोले थे, लेकिन इन्होंने अच्छे बोले थे, पैसे भी दिए गए, अच्छा बोले. नहीं नहीं, मुझे तंग नहीं किया एक्चुअली, पूरा टीम ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. शरद एंड द डायरेक्टर एंड एवरीवन रियली हेल्प मी आउट विद एवरीथिंग. सो आई थिंक आई गॉट लॉट ऑफ पैम्पर्ड, एंड होप कि आप लोग मुझसे भी बहुत प्यार दो, एंड ऑडियंस भी दे हमें बहुत प्यार. तो दैट्स व्हाट आई थिंक, लाइक दैट्स द एक्सपेक्टेशन नाउ. Bilkul, I think wishing you all the very best, and moving on to Faisal Raza Khan, Faisal Mia photo wale. आप छुप क्यों जाते हैं यार कैमरे के सामने? अरे आप तो मतलब ये देखिए हमारे नाम में फोटो है ना, इसलिए छुप जाते हैं. ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इधर आइए आइए, पीछे आइए. आप बताइए कैसा रहा, कितनी मुश्किलें आई, कितने लोगों ने कहा रिलीज होगा नहीं होगा, कुछ बताइए यार. ये जैसा अरे नहीं ऐसे क्या मजा आया बस, नहीं, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. लोकेशन नया था, टीम नई थी, सब एक दूसरे के साथ पहली बार काम कर रहे थे. मैं शायद पहले काम कर चुके हैं साथ में, लेकिन बाकी जो पूरी टीम थी, जो भी टेक्निकल टीम थी और एक्टर्स भी थे, सब एक दूसरे के साथ पहली बार काम कर रहे थे, और वो भी नए कंट्री नए शहर में, तो भी वहाँ का भी एक माहौल बिल्कुल अलग था. सो एक पिकनिक का माहौल था, एक मज़े का माहौल था. इनफैक्ट हम लोग एक दिन इस्तांबुल में रुक भी गए थे एंजॉय करने के लिए, कि काफ़ी काम करके आए थे, और बैक टू बैक शूट था. तो एक एक अभी ऐसा देख के, चूँकि एक साल पहले आज के दिन हमने शूट ख़त्म किया था, तो अभी अब सब कुछ रिकॉल हो रहा है कि अच्छा ये हुआ था, अच्छा ये हुआ था. सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. आई होप ये गाना चले, बहुत मेहनत की गई है इसके पीछे. सो आई एम श्योर कि ये लोगों को पसंद आएगा. आप इसको देखिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउनलोड्स कीजिए, मुनाफा होगा पैसे के लिए, और दोबारा फिर गाना बनाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन, एंड दैट्स इट. ओवरऑल आई एम टोटली. आप लोग री इनवाइट हुए आफ्टर आई थिंक गुड 17-18 इयर्स, रुपेश, यू एंड शरद, तीनों दुल्हन के सवाल जरूर होना चाहिए. बढ़िया, अच्छा सा.
अच्छा सवाल है। हम लोगों ने साथ में दुल्हन में काम किया था, मैंने और शरद ने, और मैं तो छोटा मोटा एक्टर था, शरद के हीरो थे और मैं, बट बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। और बहुत टाइम के बाद मैं इनके साथ दोबारा, हम लोगों ने ऑफकोर्स स्क्रीन तो नहीं शेयर किया बट एक प्रोजेक्ट शेयर किया साथ और आगे भी करेंगे। सो बस इनमें तो कोई बदलाव नहीं है, कल भी उतने ही डिसिप्लिन थे, आज भी है। बट मैं एक खास आदमी को आप लोगों को मिलाऊंगा जो इसमें नहीं है, अल्कोहल प्रेमल वेयर इज प्रेमल प्रेमल इज द डीओपी। जितनी खूबसूरती आप यहाँ पे देखा है आपने, इसमें मेरा हाथ नहीं है, मेरे सिर्फ शॉट टेकिंग है। ये जो खूबसूरत दिखाया है, जो कलर्स, जो पैटर्न, वो प्रेमल का है, और जो कपड़े आपने देखे वो आरुषि के हैं। सो हाँ हाँ मेकअप है मुस्कान का है। मुस्कान तुम यार कम गाइस गाइस जिम छोड़ के आ जाओ यार, एक मिनट कुछ ही होगा। कमानुषी मुस्कान प्रेम सर, द कॉस्ट्यूम्स इन द वाइट एंड यू प्लेड विद दोस प्रिंट्स जो फेस का जो शरद के शर्ट पर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यू नो दैट्स लाइक अमेजिंग। So, yes, I think just to cut a long story short, thank you guys. हम तो क्या बोलते रहेंगे क्योंकि हमारा अपना कल्चर, बट थैंक यू। आई थिंक सीरियस जो पीछे जितने लोग खड़े हैं, आई कैन सी ऑल नाइस ब्यूटीफुल फेसेस आउट देयर, थैंक यू फॉर कमिंग, रियली रियली मींस अ लॉट टू अस। एंड अब बस फोटो सेशंस हो जाए। थैंक यू मीडिया, थैंक यू एवरीवन, सबसे कमाल की बात है कि मुझे जब ट्रैक भेजा गया तो मैंने दूसरे ट्रैक का ऑप्शन नहीं मांगा, मैंने कहा पहला ट्रैक ही इतना अच्छा, हम यही ट्रैक करेंगे। सो आई थिंक ऑडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद विजुअल्स बात करते हैं। बट येस दिस ट्रैक हैज़ लव फॉर यू, इस ट्रैक में बहुत दिल किया हुआ, इसलिए दिल इंसान हो गया है। क्योंकि हम सबका हम कोशिश करेंगे कि जो सेकेंड पार्ट हमने शुरू किया है वो जब भी आए वो भी लोगों को बहुत पसंद आए। बट फॉर नाउ दिल इंसान हुआ फर्स्ट पार्ट इज होल्ड पीपल आउट देयर, प्लीज शो सम लव वगैरह वगैरह। उसके रील्स बनाइए, शरद को टैग कीजिए। एब्सोल्युटली, हेलो हेलो Justine, how are you? Yes, we have to be a lot of news tonight. so yes guys, Faisal I think has a surprise for you people. मुझे खुद नहीं पता है. Faisal, are you there? Oh, this is which body shot, so he wants to show that to you people. This is for my media family and to all the people out there. So, just bear with me for another 60 seconds. Okay, fine. एक और बड़ी खास बात जिसमें शरद मुझे शायद चुना सकते हैं कि क्या बात कर रही हो तुम चालू ली, ये जो पहला म्यूजिक वीडियो उन्होंने किया था इनके कार में एक छोटा सा स्टड था, that was I think कितना होता है छोटा स्टड, एकदम छोटा होता है उसके बाद ये इतना बड़ा होते होते देखो कितना बड़ा हो गया, कहाँ से तू इतना, ये एक सॉलिटेयर है पूरा अभी, इसका मतलब ये जब उनका तीसरा जो म्यूजिक वीडियो आ जाएगा ना इसका, वो बस कान के नाक छू जाएगा, ये 10 कैरेट हो जाएगा।